मिर्जापुर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने करीब 185 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। परियोजनाओं के लोकार्पण करने के बाद केशव ने विपक्षियों पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी 2014 से बड़ी जीत 2019 में हासिल करने जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है 2014 से बड़ी विजय आप 2019 में प्राप्त करने जा रहे हैं। सपा बसपा के साथ कांग्रेस भी अगर मिल जाए तब भी मुझे विश्वास है 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है। वहीं राम मंदिर के निर्माण पर केशव ने कहा कि बीजेपी रामलाला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए कटिबद्ध है और वहां पर बाबर के नाम की एक ईंट नहीं रखने देंगे। रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए भाजपा पार्टी के नाते कटिबद्ध है। केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा जो अविवादित क्षेत्र है उसे राम जन्मभूमि न्यास को सौंपने का शपथ पत्र देना केंद्र सरकार का समर्थन है। प्रदेश सरकार हर समय तैयार है, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हो जाए, राम जन्मभूमि न्यास पूज्य संत सबका स्वागत है। रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर ही बनेगा, अब वहां बाबर के नाम की एक ईंट नहीं रखने देंगे, नहीं रखी जाएगी, यह आशा है। इस मौके पर केशव प्रसाद ने मिर्जापुर में शास्त्री पुल के पास ही 4 लेन का नया पुल बनाने की घोषणा भी की। पंजाब केसरी टीवी के लिए मिर्जापुर से ब्रिजलाल मौर्य की रिपोर्ट।